नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका किरण ऑनलाइन स्टडी में और हम पढ़ रहे थे परिवार के बारे में ठीक है जो सामाजिक अवधारणाएं पढ़ रहे थे उनमें परिवार के तक भाज लिया था परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने नहीं देखे थे तो वो आज देखते हैं और आगे और जो भी बचा है वो हम देख लेते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत थोड़ा तेज पड़ पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है मैं पहले ही बता चुका हूँ ठीक है मित्रों तो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादक प्लेटो व अरस्तु प्लेटो व वस्तु के अनुसार परिवार पितृसत्तात्मक होता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत जो प्रतिपादक विलफ्राइक द्वारा अपनी पुस्तक द मदर्स में किया गया यौन साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक मॉर्गन फेजर और ब्रिफॉल्ट है उद्वकाशीय सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ब्रेफोकन है ठीक है और विस्तृत व्याख्या इसकी मोर्गन द्वारा की गई मोर्गन के अनुसार परिवार का उद्विकीय क्रम जो बताया गया वो है कामाचार की स्थिति बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह और एक विवाह ये सारी बताई गई थी मोर्गन के उद्विकास में पांच स्तर बताए गए हैं ठीक है और समरक्त विवाह समूह विवाह ठीक है सिंडेस्पिशन विवाह पितृसत्तात्मक विवाह ठीक है एक विवाह का सिद्धांत जो प्रतिपादक वेस्टर मॉर्क है पुस्तक जो है वो है मानव विवाह का इतिहास समर्थक मेलिनो वस्की मेलिनो वस्की के अनुसार एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा विवाह के प्रकार सदस्य संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं ठीक है केंद्रीय परिवार संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार ये परिवार का केंद्रीय परिवार जो है वो विवाह का सबसे छोटा रूप है जिसमें माता पिता और आश्रित बच्चे होते हैं संयुक्त परिवार इसमें तीन या अधिक व्यक्ति पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं और विस्तृत परिवार इसमें सभी रक्त संबंधी अन्य सदस्य भी निवास करते हैं ठीक है थीके? आपके बहन जीजा जी वो भी आके इधर ही रहने लगे ठीक है साला साली भी इधर ही रह रहे हैं आदमी के ठीक है फिर इसके बाद में पत्नी के भाई वो सारे इधर ही रह रहे हैं ठीक है उनकी ठीक है और वो सारा आपके विस्तृत परिवार में आ जाएगा विवाह के आधार विवाह के आधार जो है वो आपके बताए गए हैं देख लेते हैं एक है एक विवाह परिवार दूसरा बहुविवाह परिवार और तीसरा समूह विवाह परिवार ठीक है एक विवाह आपने अपन देख लिया था बहुविवाह इसमें बहुपत्नी या बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है बहुपत्नी विवाह जो है वो मुस्लिम समुदाय में एक मुख्य और चार पत्नी और रखी जा सकती है ठीक है भारत में नागालैंड नागा गोंड नागा जनजाति में भी इस प्रकार का विवाह पाया जाता है क्योंकि समूह विवाह इसमें उनके पुरुष स्त्री पुरुष मिलकर फर्स्ट पर विवाह कर लेते हैं तो वो आपके समूह विवाह में इसके बाद बहुपति विवाह बहुपति विवाह इसमें भी दो स्वरूप होते हैं एक तो मात्र बहुपति विवाह और एक अन एक भ्रा भ्रातृ बहुपति विवाह अभद्र विवाह इसमें जो भ्रातृ बहुपति विवाह है उसमें सभी भाई ही की, की एक ही स्त्री से विवाह करते हैं ठीक है और अभद्र जो विवाह है उसमें भारत में यह पद्धति खासी जनजाति मेघालय और नायरा जनजाति भटोड़ा जनजाति आदि में पाई जाती है ठीक है निवास स्थान के आधार पर देखें तो निवास स्थान के आधार पर आपके परिवार आपके पितृस्थानीय परिवार मातृस्थानीय द्विस्थानीय और नवस्थानीय और मामा परिवार होगा ठीक है विवाह के बाद पति पत्नी विवाह के निवास स्थान पर रहते हैं ठीक है जो पिता के निवास स्थान पर रहेंगे तो वो आपके पितृस्थानीय होगा इसके बाद में इसमें जो मातृस्थानीय है इसमें विवाह के बाद माता पिता के निवास क्षेत्र में रहते हैं माता के निवास क्षेत्र में रहेंगे इसके बाद में द्विस्थानीय परिवार इसमें विवाह के अपने जन्म स्थान पर जो है वो रहते हैं तो आपके कौन सा खिलाएगा ये द्विस्थानीय परिवार नवस्थानीय परिवार ठीक है और एक है मामा स्थानीय परिवार इसके बाद ये वंश नाम के आधार पर इसमें वंश नाम के आधार पर आपके हो जाएगा एक तो वंश मातृवंशीय परिवार और दूसरा हो जाएगा पितृवंशीय परिवार तीसरा उपवंशीय परिवार और दूसरा जो है वो आपके द्विवंशीय द्विनामी परिवार जो उपवंशीय परिवार है इसमें परिवार का नाम वंशानुगत नहीं होता है और इसमें जो द्विवंशीय परिवार है आपका उसमें एक समय में एक व्यक्ति दादा नाना के संबंध से माना गया अन्य प्रकार जो है वो जन्ममूलक और मूलक होते हैं ठीक है जन्ममूलक और मूलक परिवार इसके बाद आते हैं अन्य प्रकार अन्य प्रकार में जन्ममूलक प्रजननमूलक ऐसा परिवार जहाँ जन्ममूलक में ऐसा परिवार जहाँ व्यक्ति का जन्म हुआ हो ठीक है जन्म जि जहाँ पर हुआ और इसमें व्यक्ति के माता पिता भाई बहन आदि भी शामिल होते हैं ठीक है और प्रजननमूलक ऐसा परिवार जिसका व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है इस प्रकार इस परिवार में जो है वो स्वयं पत्नी व अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं परिवार के कार्य शारीरिक कार्य ठीक है तो सुरक्षा बच्चों के लिए ठीक है बच्चों की सुरक्षा लालन पालन भोजन ठीक है निवास वस्त्र आदि के बारे में दूसरा है जैविक कार्य इसमें यौवन इच्छाओं की पूर्ति संतान उत्पत्ति प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के कार्य आर्थिक कार्य आय व संपत्ति प्रबंधन मनोवैज्ञानिक कार्य सामाजिकरण का कार्य राजनीतिक कार्य सामाजिक नियंत्रण का कार्य फल निर्धारण का कार्य ये सारे इसमें शामिल होंगे इसी बात देखते हैं विवाह की अवधारणा सामान्य ऋतु में विवाह एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं अथवा विवाह एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज की सारंभिक इकाई परिवार का निर्माण होता है मजूमदार व मदान की परिभाषा के अनुसार विवाह व्यक्ति की यौवन संतुष्टि यौन संतुष्टि व मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है डब्ल्यू डब्ल्यू एच आर रिवर्स के अनुसार जो है वो वह साधन जिसके द्वारा मानव समाज यौवन संबंधों का नियमन करता है वह विवाह कहलाता है इसके बाद में तुषी में तुषि य के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग होता है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा वेद संतान माना गया ये है ये कई बार पूछी गई हैरी एम जॉनसन के अनुसार विवाह एक ऐसी है, है? संबंध है जिसमें स्त्री पुरुष को समुदाय स्थिति को बिना क्षति पहुंचाए संतान उत्पत्ति की स्वीकृति प्राप्त हो विवाह के उद्देश्य मर्डोक के अनुसार यौवन संतुष्टि संतान उत्पत्ति व सामाजिककरण व आर्थिक सहयोग है दूसरा सामाजिक सुरक्षा ठीक है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का स्थानांतरण धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना वेद संतान की उत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता बनाए रखना परिवार निर्माण व नातेदारी व्यवस्था विवाह संबंधी नियम निकटता विगम निषेध इस नियम के अनुसार जो है वो निकट के संबंध में विवाह संबंध स्थापित करना वर्जित है ठीक है अंतर्विवाह अपने ही समूह में विवाह करने का नियम बेल जोड़ा जनजाति ठीक है इसके बाद बहिर्विवाह अपने समूह से बाहर विवाह करने का नियम ठीक है वंश गोत्र आदि जाति आदि छोड़ कर के ठीक है विवाह के प्रकार एक विवाह एक समय में एक पुरुष द्वारा एक ही स्त्री से विवाह करना बहुविवाह इसमें एक से अधिक पुरुष या स्त्री से परस्पर विवाह करना बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह इसमें एक पुरुष और एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना बहुपति विवाह एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों से विवाह द्विविवाह एक समय में दो विवाह समूह विवाह बहुत से पुरुष का एक साथ बहुत सारी स्त्रियों से विवाह इसमें प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री का पति और प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है ठीक है मित्रों वैदिक काल में विवाह के प्रकार एक तो थे आपके अनुलेम विवाह इसमें उच्च कुल वर्ण का लड़का निम्न कुल की लड़की से विवाह करता था प्रतिलोम विवाह इसमें निम्न वर्ण लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करता है नियोग विवाह वह निम्न परिस्थितियों में होता है जब पत्नी की पति की मृत्यु हो जाए जब पति असाध्य रोग से ग्रसित हो जब पति दूर चला जाए वापस नहीं आए ठीक है इस प्रकार के विवा की विवाह में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री संतान उत्पत्ति के लिए देवर से विवाह कर लेती है ऐसे विवाह से जन्मी संतान को जो है क्षेत्रज कहा जाता है ठीक है हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के आठ प्रकार बताए गए ब्रह्म विवाह यह उत्तम श्रेणी का विवाह माना गया इसमें वेदों के ज्ञाता शिलवान वर्ण के को के साथ ही विवाह किया जाता है देव विवाह इसमें यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित के वो दक्षिणा के रूप में कन्या दान किया जाता है आरस विवा, विवाह इस विवाह में लड़की का पिता वर पक्ष को एक गाय या बैल की जोड़ी देकर विवाह करता है ठीक है प्रजापति विवाह इसमें बिना देश के योग्य वर्ग के कन्या का विवाह करना उसे प्रजापति विवाह कहते हैं वर्तमान सर्वाधिक प्रचलित विवाह है ठीक है इसके बाद गंधर्व विवाह यह वर्तमान में प्रेम विवाह के जैसा इसमें वधु अपनी इच्छा से विवाह करते हैं ठीक है जैसे दुश्चय का शाकुंतला से हुआ था इसके बाद राक्षस विवाह यह केवल क्षत्रियों में ही प्रचलित था शक्ति तथा बल द्वारा अपहरण करके किया जाता था कृष्ण ने रुक्मणी से जो विवाह किया था वो इसका पिचास विवाह यह सबसे निम्न श्रेणी का विवाह है इसमें विश्वासघात करके सोई हुई जो उन्मुक्त या मद होश जो है जो लड़की है उसके साथ कुकृत्य करके जो विवाह किया जाता है ठीक है इसके बाद असुर विवाह इसे क्र विवाह भी कहा जाता है इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य चुकाया तो जाता है जो मुस्लिम विवाह है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मुस्लिम विवाह को नागरिक समझौता माना जाता है अली के अनुसार मुस्लिम विवाह कानूनी संविधा जिसके लिए न तो पुराहित आवश्यकता होती है ठीक है मुस्लिम धर्म में विवाह को निकट निकाह कहा जाता है मुस्लिम धर्म में एक पुरुष चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है ठीक है निकाह चार प्रकार के होते हैं एक निकाय स्वास्थन इसमें मुस्लिम धर्म की सभी विधियों को मानकर विवाह निकाह किया जाता है निकाय मुता इसमें सीमित समय के लिए निकाह होता है ये केवल सियाह समूह प्रचलित है निकाय बातिल इसमें निकाह गंभीर युक्त होता है जैसे क्रम उम्र न मुस्लिम धर्म विवाह का आयु पंद्रह वर्ष का लड़का और बारह वर्ष की लड़की इसके बाद आता है निकाय फासिद इसमें निकाह सामान्य युक्त होता है मेहर मेहर का नाम आपने सुना ही होगा मुस्लिम धर्म में, में मेहर एक अनिवार्य शर्त है जो वास्तव में पति द्वारा पत्नी दिए जाने वाला एक अनिवार्य उपहार के रूप में है ठीक है ये जो है वो एक आ, मतलब दिया जाता है कि अगर तलाक होता है तो ये मेहर की राशि अदा की जाती है महिला के अनुसार मेहर कामकाजी महिला को घर ले जाने की एवज में पुरुष द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा होता है मेहर के चार रूप होते हैं मेहर ए मोज्जत यह विवाह के समय ही दी जाती है मेहर ए मुअ्जल यह जो है वो विवाह के बाद में दी जाती है और मेहर मुसम्मा इसमें मेहर की रकम जो पहले तय होती है और मेहर मिस्त इसमें मेहर की रकम पहले से तय नहीं होती मुस्लिम धर्म तलाक के नौ प्रकार बने गए तलाक इला इसी प्रकार में व्यक्ति तीन बार तलाक शब्द बोलता है इस पर अभी कोर्ट में विवाद भी चल रहा है आप सभी को पता ही है मित्रों ठीक है तो यहाँ से प्रश्न आने का संभावना बनती है कि जो तलाक इला है वो किस प्रकार का है तो आपको बताना है वो ठीक है तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि तलाक इला क्या है तो आप बता देना कि तीन बार जो तलाक शब्द बोला जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में रोक लगाई है ठीक है मित्रों तो थैंक यू वेरी मच आपने ये देखा और समाजशास्त्र का हमारा लगभग सिलेबस पूरा हो गया ठीक है अगर मेरे को समय मिला तो उस पर आपके थोड़ा एक प्रश्नोत्तरी ज़रूर पूरे समाजशास्त्र की एक बार बनाएंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच